अपने फ्रेंड्स के साथ हम चिंतपूर्णी से वापस आ रहे थे, तो बेटी भैरवी ने और नित्या ने जिद की कि श्री गंगानगर के अंदर चिंटू मैगी वाला है और वहाँ से हमने मैगी खानी है। पापा मैगी खानी है। हाँ, तो मैगी खाने के लिए हम पहुँच गए चिंटू के पास। और पहली बार पहुँचे थे चिंटू के पास, हमने सोचा ये कोई बड़ा होटल होगा, लेकिन चिंटू यहाँ रेडी के ऊपर और अंदर इसने अपना बैठने का बड़ा सुंदर स्थान बनाया है। और बहुत भीड़ यहाँ श्री गंगानगर के अंदर चिंटू मैगी वाला के पास रहती है। बड़ा ही देखिए किस प्रकार साफ़ सुथरा रूप से ये मैगी बना रहे हैं। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम जो मैगी खाएंगे वो कितनी स्वादिष्ट होगी। और ये अंदर का नज़ारा दीपावली के मौके पे बड़ा सुंदर लाइटों से सजाया है। और यहाँ हम बैठ गए, हम बहुत एक्साइटेड थे कि मैगी का टेस्ट कैसा होगा और बस उसी का वेट कर रहे थे। हम ही नहीं, और भी बहुत से लोग चिंटू की मैगी का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ मेरे दोस्त आशु बजाज, इनसे भी मिलिए, और सतीश कुमार वधवा, उधर हनी मक्कड़ बैठे हैं, और आशु बजाज जिनकी गैसनपुर के अंदर नीलकंठ रेडीमेड के नाम से दुकान है, और सतीश की एस के हैंडलूम के नाम से। और ये मैगी आ गई, देखने में बहुत ही खूबसूरत। वाओ, दिस इज वेरी डिलीशियस। और देखने में बहुत सुंदर थी। अब सब ने खा के देखी तो क्या टेस्ट है मैगी का, और बहुत ही स्वादिष्ट मैगी। और ये नज़ारा चिंटू मैगी हाउस का, और छोटी छोटी चारपाइयाँ लगाकर यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये बच्चे भी खा रहे हैं। और इस मैगी के अंदर वास्तव में दिख रहा था कि चिंटू का प्यार भी है, चिंटू की मेहनत भी दिख रही थी। और बच्चे बड़े चाव से मैगी खाते हैं। और ये अब कॉफ़ी भी आ गई, कोल्ड कॉफ़ी, ये भी बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी लगी सबको। मैगी के बाद कॉफ़ी का भी फुल एंजॉय किया सभी ने। और बच्चों को तो खास करके मैगी और ये कॉफ़ी बहुत ही सुंदर लगी। और देखिए भैरवी क्या कह रही है, बहुत अच्छी थी, एकदम मतलब चॉकलेट शेक के जैसी थी, बस टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो इस तरह से हमने यहाँ एंजॉय किया।